हेलो फ्रेंड्स, तो हम अपने लास्ट सेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पे हमने लास्ट सेशन खत्म किया था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 12 मैट्रिक्स चैप्टर। ठीक है, चलिए। सो हम यहां पे थे पी ऑफ एन ए इंटू बी रेस टू एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। सो ए इंटू बी रेस टू a into b raised to k is equals to a raised to k into b raised to k, p of k plus 1 जो हमें प्रूव करना है वो है ए बी रेस टू के प्लस 1 इक्वल्स ए रेस टू के प्लस 1 इंटू बी रेस टू के प्लस 1। ओके, सो एल एच एस पार्ट में a इंटू बी रेस टू के प्लस 1, राइट, ए बी रेस टू के इंटू ए बी। ओके, नेक्स्ट ए बी रेस टू के, है ना। तो देखिए, इसके पहले जो क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन में जो हमें पी ऑफ के हमारे पास है, हम उसकी मदद लेंगे। यहां पे पी ऑफ के हमारे पास है ए इंटू बी रेस टू के इक्वल्स ए रेस टू के इंटू बी रेस टू के। क्लियर हो आप लोग? ठीक है, तो ए रेस टू के इंटू बी रेस टू के यहां पे हमने पुट किया। ओके, साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या है, ए बी है। ओके, नेक्स्ट ए रेस टू के इंटू बी रेस टू के इंटू ए बी, है ना। अब इसको हम ए रेस टू के इंटू बी रेस टू के इंटू ए इंटू बी ऐसा लिख सकते हैं। सो ए रेस टू के इंटू, अच्छा, बी रेस टू के इंटू ए, जो कि इसके पहले के सेशन में हमने देखा था, हमने जो इसके पहले सेशन में जो प्रूव किया था उसका स्टेटमेंट हम यहां पे डायरेक्टली ले सकते हैं, दैट ए इंटू बी रेस टू के इक्वल्स बी रेस टू के इंटू ए। तो हम क्या करेंगे कि हम बी रेस टू के इंटू ए के बदले ए इंटू बी रेस टू के पुट कर देंगे। साथ में मल्टीप्लीकेशन में कौन है भाई, बी है। अब कुछ नहीं, अब खाली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बेसिक आइडियाज कि भाई जो ब्रैकेट है ब्रैकेट को ओपन कर दो और ए रेस टू के साथ में ए ले लो, बी रेस टू के साथ में बी ले लो। ए रेस टू के इंटू ए इज एक्चुअली ए रेस टू के प्लस 1, बी रेस टू के इंटू बी इज बी रेस टू के प्लस 1, दैट इक्वल्स टू आर एच एस। सो पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो यस, पी ऑफ के इज ट्रू, That implies P of K plus 1 is true. तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी यहां पर खत्म हो गया। नेक्स्ट हम अब इस miscellaneous एक्सरसाइज में जो पीछे दो तीन एमसीक्यू है वो खत्म करके कुछ और बाहर के क्वेश्चन हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए जल्दी करिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13, there is a matrix A which is alpha gamma beta minus alpha is such that A square equals to I, है ना, MCQ है। तो देखते हैं A square, so matrix A square is alpha beta gamma minus alpha, सेम मैट्रिक्स का उसी के साथ प्रोडक्ट लेना है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा। ठीक है, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गामा इंटू अल्फा, सो अल्फा गामा माइनस अल्फा
गामा, ठीक है, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम गामा बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? वैसे बाय द वे इसमें न समझने लायक भी कुछ भी नहीं है, इजी ही है, ठीक है। इसको अब हम कंपेयर कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा, अल्फा गामा कैंसल, अल्फा बीटा कैंसल, यहां हमारे पास सेम रिजल्ट शायद आ गया है, ठीक है, शायद नहीं कंफर्म। अच्छा, इसको हमें आई के साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के साथ कंपेयर करना है, ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा है, तो बस मैं इसको सीधे सीधा सामने वन के साथ कंपेयर कर लूं। सो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा इज इक्वल्स टू वन, सो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। सो ये क्वेश्चन यहां पर खत्म हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यार ये कुछ अलग हो रहा है क्वेश्चन नंबर, इसमें हमें ये कहा है कि मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है ना। सो मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक एंड एज वेल स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एक्सक्यूज मी। सो ए डैश इज इक्वल्स टू ए एंड ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए, अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब कि मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करूं तो एज इट इज भी रहे और साथ में साइन भी चेंज हो, तो ये दोनों बात एक्चुअली में कॉन्ट्राडिक्शन है यार, आप समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ ही रहा होगा, दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल है? अगर जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करो तो अगर जो सेम है तो फिर साइन कैसे चेंज होगी, या फिर अगर जो साइन चेंज है तो सेम कैसे रहेगी, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कुछ अटपटा सा है, ये कुछ अलग मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? सिंपल, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है, मतलब कि नल मैट्रिक्स है। सो दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ मैट्रिक्स ए इज नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये एमसीक्यू यहां पर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, देन व्हाट इज आई प्लस ए द होल क्यूब माइनस सेवन ए। तो देखिए, ध्यान दीजिए आप, ठीक है, I प्लस ए द होल क्यूब, मैं क्या करता हूं कि I प्लस ए का क्यूब निकाल लेता हूं। सो I प्लस ए का क्यूब मुझे मिलेगा I क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस थ्री आई ए इंटू आई प्लस ए माइनस सेवन ए, ठीक है। जैसे a प्लस बी द होल क्यूब होगा ना, वैसे ही a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ओके, देन आई क्यूब की वैल्यू होगी i। अच्छा, क्वेश्चन में ए स्क्वायर बराबर a है, सो व्हाट इज ए क्यूब? ए क्यूब इज एक्चुअली ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर के बदले a पुट करें तो a इंटू ए, a इंटू ए इज ए स्क्वायर एंड अगेन ए स्क्वायर इज a, ठीक है। सो ए क्यूब की वैल्यू इस जगह पे हमें a मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा कि ए क्यूब के बदले ए पुट कर दूंगा। अच्छा, आई इंटू ए करोगे, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स रहेगा। सो आई इंटू ए करने पर हमें थ्री ए ही मिलना है, सवाल ही नहीं है, साथ में मल्टीप्लीकेशन में आई प्लस ए तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार जरा नोट डाउन कर लो यार, जल्दी करो। हाँ, ओके, चलिए, देन नेक्स्ट पार्ट इज
आई प्लस मैट्रिक्स ए थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए प्लस थ्री ए स्क्वायर माइनस सेवन ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए प्लस थ्री ए, अच्छा ए स्क्वायर बराबर ए है तो यहां पर आप ए पुट करो माइनस सेवन ए, तो भाई क्या हो रहा है, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन सेवन कट, योर आंसर इज आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। सो दिस क्वेश्चन, दिस एमसीक्यू इज डन, आंसर हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं, वैसे एक मिनट, अब ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो रही है, तो अब हम क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन में अभी आपके लिए ही छोड़ रहा हूं, आप इलस्ट्रेशन अपने हिसाब से प्रिपेयर करोगे, जहां जो नहीं समझ में आ रहा है मुझसे डेफिनेटली आप पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस चैप्टर में और कुछ क्वेश्चंस, बाहर के क्वेश्चंस उठाते हैं, वैसे ये क्वेश्चन का रोल तब और ज्यादा हो जाएगा जब इसमें आप डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पढ़ लोगे, जैसे कि एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, एन इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट, बट ऑब्वियस, तो वहां जब आप जाओगे ना तब ये क्वेश्चन, तब ये चैप्टर एक्चुअली में कंप्लीट हो गया, अभी तो ये चैप्टर एक्चुअली में बिल्कुल, मतलब ये चैप्टर अभी इनकम्प्लीट है यार, इस चैप्टर को आप अभी कंप्लीट हो गया ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैट्रिक्स का ये पोर्शन, मैट्रिक्स का कुछ पोर्शन डिटर्मिनेंट में आता है, तो आप अगर जो मैट्रिक्स करोगे तो वो जो पोर्शन बाकी रह रहा है वो डिटर्मिनेंट में जाके कंप्लीट करना है, या फिर क्या हो सकता है पता है, जब आप डिटर्मिनेंट अगर जो पहले स्टार्ट करते हो तो फिर आपको मैट्रिक्स आधे से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो कुल मिला के एनसीईआरटी में दोनों को कुछ इस तरीके से क्लब किया है, ठीक है, हम उसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, हम इसके बाद अब एनसीईआरटी में डेफिनेटली डिटर्मिनेंट चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, ओके, जिससे हमारे ये दोनों चैप्टर एक साथ एक पैर में खत्म हो जाए। सो चलिए कुछ क्वेश्चन हम बाहर के उठाते हैं यहाँ पे, एक जैसे ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया ना लास्ट एमसीक्यू, सेम उसी पर बेस एक क्वेश्चन मुझे यहां पे अचानक से दिख गया है, तो मैं उसको करवा रहा हूं आपसे, जल्दी खत्म कीजिए। ठीक हो गया खत्म यहां पे ये, सो मैं इसको अब आगे, मैं इसको